Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए ovulation के बाद अगर महिलाओं को pregnancy conceive होती है तो pregnancy conceive करने में like कम से कम एक हफ्ते का time लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन का time लगता है. अगर आपको अपनी period cycle length पता है, यानी हर महीने अगर आपको date पे period आता है, तो इस condition में महिलाओं को period date से पहले पहले pregnancy conceive हो जाती है. तो गाइस, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी में बहुत नए नए से बदलाव देखने को मिलते हैं. बट ये ज़रूरी नहीं है हर किसी महिला की बॉडी में हर एक प्रेगनेंसी का बदलाव दिखेगा ही दिखेगा. बिकॉज कई महिलाएं ऐसी हैं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें कुछ भी लक्षण नहीं दिखता है, और पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में भी कोई लक्षण एज सच महसूस नहीं होता है एक्सेप्ट ग्रोइंग बेली. तो कुछ ऐसी महिलाएं भी होती है. बट आज के वीडियो में जिस लक्षण की मैं बात कर रही हूँ, ये लक्षण प्रेग्नेंट होने में हर एक महिला की बॉडी में दिखाई देता है. मैं बात कर रही हूँ गाइस, बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन में क्या बदलाव होता है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, और किस तरीके से इस बदलाव के थ्रू पीरियड डेट से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. देखिए गाइस, जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के टाइम जो सर्विक्स की पोजिशन होती है, बच्चेदानी के मुँह को ही हम सर्विक्स कहते हैं, इसकी पोजिशन हाई होती है और ये एरिया सॉफ्ट होता है और गीला होता है, और इस टाइम सर्विक्स ओपन होता है ताकि स्पर्म एंटर कर सके और एग को फर्टिलाइज कर सके. और ओव्यूलेशन के बाद अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो जो सर्विक्स है यानी बच्चेदानी का मुंह है, उसकी पोजीशन लो हो जाती है, वो एरिया ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है. ये किस तरीके से आप पता कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने सर्विक्स को एग्जामिन करना पड़ेगा. हर कोई महिला सर्विक्स को एग्जामिन नहीं कर पाती है, तो आपको ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं करनी है अपनी वजाइना के अंदर, ऐसा फिंगर इनसाइड हर टाइम नहीं करना है. अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हैं सर्विक्स कैसे एग्जामिन करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि गाइज अगर ओव्यूलेशन के बाद सर्विक्स में कोई चेंजेस होते हैं जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उस दौरान महिलाओं की बॉडी में और भी लक्षण देखे जाते हैं. उन लक्षणों को आप नोटिस कीजिए अगर आप सर्विक्स को एग्जामिन नहीं कर पा रहे, नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आपके सर्विक्स की पोजीशन हाई है या लो है. तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो सर्विक्स अगर आप एग्जामिन कर पाते हैं तो आपको पता चलेगा कि सर्विक्स की पोजीशन हाई है, वो एरिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और गीला है. अगर आप सर्विक्स एग्जामिन कर पा रहे हैं तो इस चीज़ को आप नोटिस कर सकते हैं. अगर आप सर्विक्स को एग्जामिन नहीं कर पा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको अपने डिस्चार्ज को नोटिस करना है, और डिस्चार्ज पीरियड्स ख़त्म होने के बाद हर एक महिला का निकलता है. तो ओव्यूलेशन के बाद जब महिलाओं के सर्विक्स में बदलाव आता है, यानी जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, इस दौरान किस तरीके का डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ. देखिए, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है, बहुत मुलायम हो जाता है आपके लिप्स की तरह, और वो एरिया वेट होता है जिसकी वजह से सर्विक्स गीला डिस्चार्ज प्रोड्यूस करता है. यानी ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो सबसे पहले आपका डिस्चार्ज गीला निकलेगा. अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है ओव्यूलेशन के बाद, तो आप देखेंगे जो डिस्चार्ज है वो नॉर्मली या तो निकलता ही नहीं है, अगर निकलता है तो ड्राई या स्टिकी निकलता है. तो ये एक साइन है. इसके अलावा ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होने में जो डिस्चार्ज का कलर होता है वो वाइट भी हो सकता है, मिल्की वाइट भी हो सकता है, येल्लो भी हो सकता है, और पेल येल्लो भी हो सकता है. और इसके साथ साथ जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है, ये ना ही ज़्यादा पतली होती है, जैसे पानी की तरह नहीं होगी, और ना ही दही की तरह मोटी होती है, ये एवरेज कंसिस्टेंसी होती है. और ये जो डिस्चार्ज होता है ये बिल्कुल क्लियर डिस्चार्ज होता है, इसमें एज सच कोई गंदी स्मेल भी नहीं आती है. और इसके साथ साथ सबसे मेन चीज़ आपको नोटिस करनी है, जो ये गीला डिस्चार्ज आपका निकल रहा है, ये प्रेग्नेंट होने में डे बाई डे इसकी क्वान्टिटी इंक्रीज होती रहती है. तो इस तरीके का डिस्चार्ज अगर आप ओव्यूलेशन के एक हफ्ते बाद से नोटिस कर रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली. और इस तरीके का डिस्चार्ज महिलाओं में तभी दिखाई देता है जब बच्चेदानी के मुंह की पोजीशन ऊपर होती है, सॉफ्ट होती है, यानी जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव
हो जाती है, तो इस तरीके से भी आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। आप दो चीज़ कर सकते हैं, या तो सर्विक्स एग्जामिन कर सकते हैं और अपने डिस्चार्ज को नोटिस कर सकते हैं। अगर आपको सर्विक्स एग्जामिन करना नहीं आ रहा है तो बेस्ट तरीका है अपने डिस्चार्ज को नोटिस कीजिए, जिससे पीरियड डेट से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक साइन है गाइज, 99% वीमेन में ये साइन देखा जाता है, यानी डिस्चार्ज में जो बदलाव मैंने आपको बताया है इस तरीके का चेंज प्रेगनेंसी में दिखाई देता है। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं और प्रेगनेंसी केयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से बहुत सी महिलाओं को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।